नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ, तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को झटका, होती रहेगी नमाज, तहखाना की छत पर जाने से रोक की अर्जी खारिज। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को झटका लगा है। वाराणसी सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाना की छत पर मुस्लिमों को जाने पर रोकने की हिंदू पक्ष की अर्जी को खारिज कर दी। केस से जुड़े अन्य मामलों में अग्रिम सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तिथि तय की है। यह अर्जी नंदी जी महाराज विराजमान लखनऊ के जन उद्दोष सेवा संस्थान और कानपुर की आकांक्षा तिवारी सहित अन्य की ओर से दाखिल की गई थी। आपको बता दें कि जन उद्दोष सेवा संस्था ने एक याचिका डाली गई थी। इस याचिका में व्यास जी की तहखाना की छत पर मुस्लिमों के इकट्ठा होने से रोकने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि छत जर्जर हो गई है, उसकी मरम्मत कराने और मुस्लिमों को तहखाने की छत पर जाने रोकने का आदेश दिया जाए, लेकिन सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इस याचिका को खारिज कर दिया। एडीजी सप्तम अवधेश कुमार की कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी परिसर में उर्स और मजार पर चादर पोशी मामले में कुछ हिंदुओं को पक्षकार बनाने के खिलाफ लंबित निगरानी अर्जी पर सुनवाई होनी है। यह अर्जी पर लोहता निवासी मुख्तार अहमद ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दी है। सिविल जज जूनियर डिवीजन शुभी अग्रवाल की कोर्ट में शुक्रवार को हरती रथ स्थित कृति वशेश्वर महादेव परिसर को मुक्त करने के वाद में सुनवाई होनी है। यह वाद वैदिक सनातन न्यास के पदाधिकारी संतोष सिंह व विकास शाह की ओर से दाखिल किया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24।